अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मुगलई चिकन की रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए एक किलो चिकन में आधा कप ऑयल डालकर इसे हल्का सा फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें थोड़ा प्याज डाल लें। प्याज को भी थोड़ा फ्राई करते जाएं और साथ मसाले भी ऐड करते जाएं। इसमें मैंने साबुत कुछ गर्म मसाले डाले हैं, इनको हल्का सा फ्राई करें और लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच डालें और नमक मिर्च और ज़ीरा हसबे ज़ायका डालिए, जितना तीखा या लाइट पसंद करते हैं उतना डालें। सफ़ेद मिर्च आधी चम्मच और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये भी आधी चम्मच इसमें ऐड करें और कुछ नट्स ले लें, उसमें आधा कप दही का और दो चम्मच सिरका डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें और चिकन में शामिल कर लें। थोड़ा सा मिक्स करें और हल्की आंच पर दम लगा दें। 10 से 15 मिनट इसको दम पर रहने दें। जब घी छूटने लगे इसको भून कर उतार लें। लीजिए, हमारा मज़ेदार मुगलई चिकन बिल्कुल रेडी है। इसका कुछ पिस्ता बादाम और अदरक लीमू के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ नोश करें। यह बहुत जल्द बन जाने वाली बहुत आसान रेसिपी है। ये अपने डिफरेंट टेस्ट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।